हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेसफुल एकेडमी। आज जो हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं वो है वैदिक हिस्ट्री का पार्ट टू। वैदिक हिस्ट्री में हमने पहले अर्ली वैदिक एज को पढ़ा, वो है पार्ट वन। तो इससे पहले वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे जो वैदिक पीरियड है वो हमारा शुरू होता है 1500 BC से 600 BC तक। उसमें अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 BC तक का जो समय है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो हमने पहले पढ़ ली हैं, वो डिस्कस हो चुकी हैं। दूसरा नाम अभी एक बार देख बता देता हूँ, वैदिक पीरियड का एक नाम आयरन एज भी है। तो आप आयरन एज भी कहीं मिले तो इसमें जो चीज़ें हैं वही उसमें देख बतानी है। दूसरी चीज़ आर्यन एज भी इसको बोलते हैं। तो आप पहला अगर लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग UPSC, SSC, रेलवेज और स्टेट PSU एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेसन को देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा, ओके। तो आप इन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ। सबसे पहले चीज़ आती है कि इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो चुका था अर्ली वैदिक के बाद, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो है कि जो आर्यंस जो थे इंडिया में जो आए थे, अब उनका स्प्रेड हो चुका है, वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अब माइग्रेट कर चुके हैं, और उन्होंने 400 BC तक वो इंडिया को पूरे एरिया में वो माइग्रेट हो चुके थे, ठीक है। और ये जो लोग थे इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो ये छोटे छोटे जो ग्रुप थे, जो कबीलाई एक तरह से विलेजर्स थे, देखो मैंने आपको बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो अर्बन थे, वो सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन था और ये रूरल है, ठीक है। ये एक बड़ा बेसिक परिवर्तन है, चेंज आया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कुछ इम्पोर्टेंट वो बने थे, क्या किंगडम बने, जैसे कि कुरु है, पांचाल है, कशिश है, विदेह है, कौशाला है, ऐसे कुछ किंगडम्स बन गए थे, ठीक है। फिर ये आर्यंस थे ग्रेजुअली साउथ इंडिया की तरफ भी मूव करने लग गए थे, फिर ठीक है ये सब चीज़ें होने लग गई थी। और 4th century BC तक मैंने आपको बताया ये पूरे इंडिया में इन्होंने हो गया था, इनका मूवमेंट होने लग गए थे। फिर एक जो बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़े महान ग्रामर के एक बहुत बड़े महान ग्रामरियन हुए हैं, उनका नाम है कात्यान, वो भी पोस्ट वैदिक पीरियड के ही व्यक्ति थे, ठीक है। कात्यान इनका नाम था, ये 4th century के टाइम कंटेम्परेरी थे, ओके। और इन्होंने बताया है कि साउथ इंडिया में उस टाइम पे कौन से वंश थे, पांड्या, चोला, केरला, इनके बारे में इन्होंने कुछ वर्णन भी कर रखे हैं, ठीक है। अब इनका जो मेन एरिया था ये कहाँ रह रहे थे, अभी सरस्वती से लेके गंगा नदी का जो बेल्ट है इन दोनों के बीच में आर्यन सिविलाइजेशन मेनली ये इनका मेन एरिया था, इसके बीच में ये लोग रहते थे। थोड़ा सा आपको मैप देख लीजिए लेटर वैदिक पीरियड में कहाँ कहाँ ये लोग रह रहे थे, तो ये एरिया है, ये गंगा नदी का बेल्ट है, यहाँ से गंगा नदी बहती है, और ये सरस्वती जो हाइपोथेटिकल अभी हमें मिलती नहीं है ये नदी, कहीं भी जियोग्राफिकली इसको लोकेट आप नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है ग्रंथों में कि ये भूगर्भ के अंदर से यानी कि पाताल में बहती है ये नदी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो जो प्रयागराज जो शहर है, जो पहले इलाहाबाद था, आज उसका नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद नाम चेंज हो गया था इसका 2017 में, आपको पता हो, इलाहाबाद शहर है, प्रयागराज है, वहाँ पे ये तीनों नदियाँ मिलती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं, पांचाल है, कुरु है, कौशाला है, ये बनास है, ये सब उस तरह के बड़े किंगडम थे, ठीक है। तो और क्या क्या चेंजें हुए लेटर वैदिक पीरियड में, अब मैंने आपको बताया जिस तरह से कुछ स्टेट बन गए पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, तो राइज ऑफ बिग स्टेट्स, ठीक है। विद द प्रोग्रेस ऑफ आर्यन सेटलमेंट द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द स्मॉल ट्राइबल स्टेट्स ऑफ ऋग वैदिक पीरियड रिप्लेस्ड बाई पावरफुल स्टेट्स। तो जो ऋग वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक पीरियड वो है अर्ली वैदिक पीरियड, उसके जो छोटे स्टेट्स थे वो अब बड़े स्टेट्स में बदल चुके थे, ठीक है। उनके नाम मैंने यहाँ पे बता दिए, और जो छोटे छोटे स्टेट्स थे कुछ, जैसे भारताज है, पोरुष है, त्रितुस है, इन ये ओब्लिवियन में ये एक तरह से गुम हो गए थे, इनका अस्तित्व अब नहीं बचा था, और इनकी जगह पे बड़े स्टेट बन गए जैसे कुरु है, पांचाल है, ये सब बन गए थे, ठीक है। फिर है इम्पीरियलिज्म की ग्रोथ हुई, इम्पीरियल साम्यवाद का जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है। अब ये जो लोग थे ये क्या करने लगे, जो राजा था
वो अपना क्या बोलते हैं पौरुष दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ यज्ञ करने लग गया, जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है ना। ये आपने अगर मैथोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आपने महाभारत रामायण इनमें देखा होगा कि राजसूय यज्ञ करता था राजा, अश्वमेघ यज्ञ करता था कि एक अश्व को पूरे राज्य में भेज देता था। उस वो अश्व जब घूम के आ जाता था तो इसका मतलब ये है कि उस राजा को एक तरह से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसको कोई ललकार नहीं सकता। अगर उस अश्व को किसी ने पकड़ लिया तो इसका मतलब उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, इंपीरियलिज्म बढ़ने लग गया, ठीक है। उसके साथ ही ये अपना दिखाते थे, टाइटल भी कुछ लेने लग गए, जैसे राजा को राजन कहा जाने लग गया। राजन तो पहले कहा जाता था, सॉरी, राजन अब रिप्लेस किससे हो गया, इंप्रेसिव टाइटल जैसे सम्राट है, विराट है, भोज है, इकरात है, ये सब नाम इन्होंने अपने टाइटल ले लिए, एक तरह से क्या बोलते हैं उपाधि ले ली इन नामों की, ओके। तो ये सब चीज़ें हुई, यानी कि आप अब देख रहे हैं कि राजा की जो पावर है, सुप्रीमेसी है, वो बढ़ने लग गई है। अब ये देखो ग्रोथ इन सुपर पावर, ये भी उसी का पार्ट है कि राजा की जो पावर है वो बढ़ने लग गई। अब देखो द किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर, अब राजा की पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने जैसे बताया था आपको अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा कि इसमें और उस टाइम में क्या परिवर्तन है। उस टाइम पे जो राजन होता था, राजा जो होता था, उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। राजा जरूर था लेकिन जो पावर थी वो असेंबलीज के अंदर भी थी, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे उनमें भी पावर थी, वो भी डिसीजन मेकिंग में उनका अहम रोल हुआ करता था। लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में राजा ने पावर को कैप्चर कर लिया है, अब उसको वो मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट हो गया है, अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मिलिट्री से रिलेटेड चाहे कोई डिसीजन लेना हो, एग्जीक्यूटरी से लेना हो, या फिर जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी फैसला लेना हो, अब राजा की ही जो बात है वही मानी जाएगी। हालांकि राजा कुछ मैटर्स में सलाह लेता था, क्या बोलते हैं, अपने मंत्रियों से, अपनी प्रजा से, लेकिन जो एब्सोल्यूट जो वीटो पावर जिसको बोल सकते हैं हम, वो होती थी राजा के पास। अब ये जो आगे जो ब्राह्मणाज मैंने आपको बताया था ग्रंथ होते थे जिनमें ब्राह्मण जो थे वो इनको उनके ग्रंथ मिलते थे, सप्तपथ ब्राह्मण है, इसके अंदर बताया गया है कि राजा है वो इनफॉलिबल है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, और वो इम्यून है फ्रॉम पनिशमेंट, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया था असेंबलीज होती थी, जैसे है विधाता थी, सभा है, स्मृति है ना। तो जो सभा है, विधाता है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, उनका कोई अब सेंस नहीं बचा था इस पीरियड में आते हुए, ठीक है। हर असेंबली का मीनिंग होता था प्री वैदिक पीरियड में, जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसके अंदर, और लेकिन अब उनका जो है कोई ज़्यादा बची नहीं थी, ठीक है। हाँ, समिति जो थी वो बची हुई थी, समिति असेंबली जो थी उसमें कुछ डिस्कशन हुआ करते थे, जैसे वॉर से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई स्टेट अपना जो बजट बनाता है उसमें कितना खर्चा कहाँ करना है और कितना रिवेन्यू जनरेट करना है, वो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस राजा ज़रूर करता था अपनी प्रजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, लेकिन अल्टीमेटली डिसीज़न वो खुद ही लेता था, ठीक। अब बात आती है, एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन है वो आया सोशल स्ट्रक्चर में। सोशल स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आया, इवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में किसी तरह का कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आया क्या, चार तरह के वर्ण होते हैं, जो चार कास्ट सिस्टम हुए वो चार कास्ट सिस्टम थे, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। अब जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसके अंदर जो वर्ण थे वो सिर्फ स्किन कॉम्प्लेक्शन पे हुआ करते थे, इन चीज़ों के बारे में कहीं उनके बारे में कोई वर्णन नहीं था। और इसमें जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, वो मंत्री होते थे, वो रिचुअल्स को बताते थे, सेक्रीफाइस के बारे में बताते थे अपने क्लाइंट्स को, मेनली वो परफॉर्म करते थे, टीचर की भूमिका को अदा करते थे एक तरह से राजा के लिए, ठीक है, अपनी प्रजा के लिए, और उनके पास सुप्रीम पावर थी क्योंकि वो हर चीज़ को एक्सप्लेन वही करते थे, तो उनकी बात को टाला नहीं जा सकता था, उनके पास एक पावर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये थे, आप एक दृष्टि समझ सकते हैं, क्लर्जी जो बोलते हैं, क्लर्जी ब्राह्मण जो थे, क्लर्जी थे। फिर आते हैं क्षत्रिय। अब क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर क्लास थी, ठीक है, वो योद्धा थे,
और जो राजा थे वो क्षत्रिय क्लास से ही होते थे, मेजॉरिटी ऑफ रूलर्स जो थे वो इसी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अपना अपना रोल हो गया। ठीक है, फिर आ गया वैश्य। वैश्य वो लोग होते थे जो बड़े जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जो बड़े फार्मर्स थे, ट्रेडर्स जो थे, आर्टिशियंस जो थे, मेटल वर्कर्स जो थे, यानी कि एक तरह से आप देखें तो मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास थी वो वैश्य में आती थी। फिर आती है जो लास्ट है वो है शूद्र, और ये लोवेस्ट क्लास होती थी सोसाइटी की। ठीक है, और ये ऊपर वाले जो तीनों वर्ण मैंने आपको बताया इनसे नीचे माने जाते थे और इनका शोषण होता था। ये एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई। क्यों हुई? देखो, मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक पीरियड में कि कोई भी व्यक्ति अपना ऑक्यूपेशन अपनी मर्जी से चुन सकता था, उसको उस चीज़ की आज़ादी थी। लेकिन यहाँ आते आते ऐसा नहीं रहा, अब ऑक्यूपेशन आपकी बर्थ से तय हो जाता था। अगर ब्राह्मण के घर आपने पैदा हो गए तो आपको वो चीज़ें करनी हैं जो एक ब्राह्मण करता है। ये जो लोग समझाते हैं वो एक टीचर की भूमिका, एक मंत्री की भूमिका, एक क्लर्जी की भूमिका निभाता था। क्षत्रिय आप बन गए तो बाई बर्थ आपको एडवांटेज है कि आपको आप एक वॉरियर हैं, एक योद्धा बन सकते हैं, आप एक रूलर बन सकते हैं। वैश्य हैं तो अलग अलग तरह के, जैसे आप फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, कैटल बेरर रेयरर का बेटा कैटल रेयरर बनेगा, ट्रेडर के बेटे ट्रेडर बनेंगे, बच्चे बनेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो शूद्र के बच्चे थे, शूद्र था वो, एबल हो या ना हो, एलिजिबल हो, लेकिन वो जो लोवेस्ट काम थे, सफाई कचरा ढोना ये सब जो काम थे, दास जो होते थे एक तरह से स्लेव, वो लोग इनमें रहते थे और इनके साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ करता था। ठीक है, तो ये एक समाज में एक तरह से बुराई आ गई थी अर्ली वैदिक एज से। जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड में आते हैं कि आपने सिर्फ एक बाय बर्थ ये डिसाइड कर दिया कि कोई आदमी क्या करेगा, आज़ादी उनकी छीन ली गई। ठीक है, ये हुआ बहुत बड़ा परिवर्तन। फिर आज बात आती है पोजीशन ऑफ वीमेन की। ठीक है, जो औरतों की स्थिति थी समाज में वो किस तरह बदली वो देखिए। पूरी तरह से सिक्के का दूसरा पहलू आपको नज़र आता है। पहले जो प्री वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें बहुत सम्मानजनक थी स्थिति। औरतों को असेंबलीज अटेंड करने का भी वो था, हक था, वो सभा में अटेंड कर सकती थी। ठीक है, लेकिन अब उनके पास ये हक नहीं रहा। और मैंने आपको ये बताया था हालांकि कि सोसाइटी जो थी वैदिक पीरियड की, वो अर्ली वैदिक हो, उसमें भी पैट्रियार्क थी, पितृसत्तात्मक थी, लड़के के जन्म को अच्छा माना जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरतों की इज्जत पहले नहीं थी, अब इज्जत वो कम हो गई, उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत ज़्यादा खो दिया है, हाई पोजीशन थी उसको खो दिया है। दूसरी चीज़, एक और बड़ी प्रॉब्लम बुराई आई, वो थी सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है? जब कोई स्त्री का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था, उसी के साथ उसको क्या करते हैं, एक तरह से ब्रेड किया दिया जाता था। तो ये होती थी सती प्रथा, ये भी सबसे पहले यहीं देखने को मिली। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सती प्रथा के बारे में कहीं नहीं था, और जब अर्ली वैदिक पीरियड आता है वहीं भी सती प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सती प्रथा होनी शुरू हो गई थी। फिल है पॉलीगैमी प्रिवेल टू द सोसाइटी, जो पॉलीगैमी थी उसका प्रिवेलेशन होना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बात आती है मैनी ऑफ रिलीजियस सेरेमनी फॉर्मली प्रैक्टिस बाई वाइफ वर नाउ परफॉर्म बाई प्रीस्ट। जो घर के काम है, जैसे अर्ली वैदिक पीरियड में औरत को घर की लक्ष्मी की तरह माना जाता था, वो सब घर का वही जो रिचुअल्स थे, जो सेरेमनीज थी, वही उनको परफॉर्म करती थी। लेकिन अब वो काम प्रीस्ट या पंडित लोग जो थे वो करने लग गए थे। ठीक है, तो वो हक भी उनसे छीन लिया गया। फिर मैंने आपको बता दिया कि असेंबलीज अटेंड करना उनको परमिशन नहीं था। फिर है बर्थ, जो लड़की का जो जन्म है उसको क्या माना जाता था, अनडिजायरेबल माना जाता था, और उसको मिजरी का सोर्स माना जाता था। तो ये एक गलत चीज़ हुई कि वहाँ से, और लड़की का जन्म है उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, उसको अच्छा नहीं माना जाता था। फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम शुरू हो गया था, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी भी कस्टम्स यहाँ पे आ गए थे। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में लड़की की एवरेज एज 16 से 17 साल के बीच में उनकी शादी होती थी, जो कि उस समय के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब और भी उसको कम कर दिया गया, काफ़ी इसमें परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो ये जो है पोजिशन ऑफ वीमेन, ये भी बहुत बड़ा चेंज था। अब आती है रिलीजियस जो कंडीशन है वो किस तरीके से परिवर्तित हुई।
मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप तीसरा पॉइंट, ऋग्वेदिक पीरियड में ये इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, वरुण, इंद्र, अग्नि, सूर्य, उषा, ये जो लोग थे ये अर्ली वैदिक पीरियड में थे या फिर ऋग्वेदिक गॉड्स थे। अब इनका जो चार्म था वो कम हो गया, लोग इनको पूजते थे लेकिन उतनी श्रद्धा से इनकी पूजा नहीं की जाती थी जितनी की पहले की जाती थी। लेटर वर्जिन जो वैदिक पीरियड है उसमें इसकी इतनी पूजा नहीं की जाती थी, ठीक है। फिर है बात की अर्ली वैदिक पीरियड में, वहाँ पे मंदिर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें शुरू हो गई, ठीक है, ये चीज़ हुई। उसके बाद अब बात आती है कि रिचुअल्स और रिट्स जो हैं, रिचुअल्स हैं जो उन्होंने ओवर शेडो कर दिया रिलीजन को, ओवर शेडो कर दिया, ये चीज़ें हुई। मतलब अब रिचुअल्स जो थे, रिचुअल्स तो ब्राह्मण्स जो थे वही तय करते थे किस तरह के थे, उन्हीं के पास होता था इनके, तो उन्होंने रिचुअल्स को हावी कर दिया रिलीजन के ऊपर, ठीक है। और एक चीज़ हुई, नए गॉड्स और गॉडेस, नई देवी और देवताओं का इमर्जेंस हुआ। कौन से थे वो नई देवता देवी? जैसे शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, रूपा है, ये जो नए नए देवी देवताओं का जन्म हुआ और इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी पहले वाले देवी देवताओं से। अब जैसे ब्रह्मा को माना गया कि वो क्रिएटर है, इस जो संसार है उसका क्रिएटर है ब्रह्मा, ब्रह्मा ये माना जाता था। जो विष्णु जो हैं, भगवान विष्णु, उनको पालन का पालक माना जाता था कि वो पालनहार हैं, ठीक है। फिर हैं शिव, लॉर्ड शिव जो हैं उनको माना जाता था कि वो मतलब वो डिस्ट्रॉयर हैं, अगर आप मतलब अगर कुछ गलत करेंगे तो उसका पनिशमेंट होगा, शिव जी देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हुई, तो ये नई नई चीज़ें इमर्ज हुई रिलीजियस कंडीशन में, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं, मैंने आपको पिछले लेसन में वेदों के बारे में बता दिया, उसमें एक मैंने बताया था अथर्ववेद, जो चौथा वेद था वो इसी पीरियड में लिखा गया। चार वेद हैं, ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है, वो लिखे गए और उसी के बाद लिखा गया अथर्ववेद। उसी तरीके से इनके होते थे उपनिषद, उपनिषद भी उसी टाइम के लिटरेचर टेक्स्ट हैं। इनका मतलब होता है, उपनिषद वर्ड का मतलब है सिट डाउन नियर समवन, मतलब ये है जब एक गुरु के सामने कुछ उसके स्कॉलर्स या फिर कुछ लोग उसको कुछ समझने के लिए जाते हैं तो ये समझ आता है उपनिषद के अंदर। तो उपनिषद वो था जब टीचर्स किसी को कुछ पढ़ाते थे, वो उपनिषद का पार्ट होता था, ठीक है। अब ये है वो मेन सोर्स है, इंडियन फिलोसॉफी का मेन सोर्स जो है उपनिषद है, और 108 उपनिषद टोटल थे उस टाइम पे, ठीक है। और ये हैं जो उपनिषद हैं, ये सेरेमनीज और सेक्रीफाइसेस को कंडेम करते हैं, ये उनको नहीं मानते, उनको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। फिर कुछ लिखी गई स्मृतिज, स्मृतिज बेसिकली क्या है, रूल्स हैं एक तरह से आप मान लें तो, उस टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम की, आईपीसी हैं, उस तरह का कानून लॉज जो हैं रूल्स लिखे हुए हैं वो लेटर वैदिक पीरियड के स्मृतिज में लिखे हुए हैं। जैसे कुछ मेन स्मृतिज हैं, जैसे मनुस्मृति का आपने नाम सुना होगा, आज के टाइम पे बहुत बार बात होती है मनुस्मृति, मनुवाद, तो ये जो उसके रूल थे वो मनुस्मृति में थे। नारद स्मृति भी है, वैसे ही याज्ञवल्क्य स्मृति भी है, और पारस स्मृति भी है, ये कुछ स्मृतिज थी उस टाइम पे, और उस टाइम का जो रूल और लॉज थे वो इनमें लिखे गए थे, ओके। अब बात आती है वेदांग, वेदांग से आपको शब्द से ही लग रहा होगा वेद प्लस उनके अंग, वेदांग, ये यहाँ पे वेदांग है अगर इसको पढ़ने में इंग्लिश में दिक्कत आए तो। देखो बात ये है, ये संस्कृत भाषा के शब्द थे और जब आप इनको इंग्लिश में लिखते हो तो थोड़ा सा वो प्रोनंसिएशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हिंदी में भी थोड़ा इनको देख लीजिएगा। वेदांग, वेदांग टोटल थे छः। अब ये वेदांग में क्या क्या छः, कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, वैकर्णा, निरुक्ता, चंदा और ज्योतिष, ये थे। शिक्षा क्या थी, आपको नाम से ही पता चल रहा है, शिक्षा किसके साथ डील करती थी, वैसे एजुकेशन से रिलेटेड था लेकिन प्रोनंसिएशन से रिलेटेड, मतलब आप किस तरीके से किसी चीज़ को बोलते हैं उस पर, उसके लिए क्या था, शिक्षा था, उसके साथ डील करता था। फिर व्याकरणा, व्याकरणा क्या थी, ये ग्रामर, आपने हिंदी में सुना ही होगा व्याकरण, व्याकरण का क्या मतलब होता है, ग्रामर, किसी भी भाषा को लिखने का एक डिज़ाइन होता है, एक तरीका होता है, उसको किस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है, तो वो है व्याकरण, ये ग्रामर का पार्ट होता था।
निरुक्ता जो था वो करता था किसके साथ डील, इटोमोलॉजी, यानी कि कोई भी शब्द है, जैसे इटोमोलॉजी क्या होती है, कोई शब्द है वो किससे बना है, कोई शब्द होता है जैसे उसका मूल शब्द होता है, मूल शब्द में कुछ जोड़ के, जैसे पट है, पट से बना पढ़ना, है ना। तो ये क्या हुआ, ये धातु था, धातु था यानी कि मूल शब्द था, यानी कि रूट वर्ड, रूट वर्ड, रूट वर्ड्स के साथ जो डील करता था, कोई नई शब्द बनने हैं तो वो निरुक्ता जो था वेदांग वो करता था। छंद, चंदा, छद्दा, छद, इसको छंद बोलते थे, छंद, ये किससे, ये क्या करता था, किसके साथ डील करता था, मीटर, मीटर यानी कि स्केल, किस किस चीज़ को किस चीज़ में नापा जाएगा, तो वो आता था छंद में, ठीक है। फिर आती है ज्योतिष, ज्योतिष विद्या आपने सुना होगा, ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में, आपके जो ग्रह हैं, आपकी जो किस तरह का आपका वो होगा, इन चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बताता था। तो ये वेदांग थे, छह वेदांग थे, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। फिर है उपवेद, अब देखो उपवेद क्या होते हैं, ये वेदों के ही उपवेद हैं, तो चार वेदों के चार उपवेद हैं। पहला है धनुर्वेद, धनुर्वेद किसका हिस्सा था, यजुर्वेद का उपवेद है, और ये किसके साथ डील करता था, वॉरफेयर्स के बारे में, यानी कि युद्ध कला और युद्ध को किस तरह से टैक्टिक्स के बारे में उसमें डील करता था धनुर्वेद। जैसे धनुष या धनुर्वेद मान लो आप, धनुष किस क्या होता है, एक एक लड़ाई करने का एक वो होता है, हथियार होता है, तो धनुष यानी कि धनुर्वेद, और किससे करता था, वॉरफेयर के बारे में बात करता था। फिर गंधर्व वेद, गंधर्व वेद किसके बारे में डील करता था, आर्ट और म्यूजिक के बारे में, और ये सामवेद का उपवेद है, गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है और आर्ट और म्यूजिक के बारे में बात करता है। फिर है शिल्प वेद, शिल्प क्या होती है, शिल्प कला क्या होती है, मूर्तिकला आर्किटेक्चर का हिस्सा होगा ऑब्वियसली, तो आर्किटेक्चर का शिल्पकारी किस में आती है, आर्किटेक्चर में आती है, तो आर्किटेक्चर के साथ डील करता है, और ये अथर्ववेद का उपवेद है, शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। फिर आता है आयुर्वेद, सबने सुना होगा आयुर्वेद अभी भी चलता है, आयुर्वेद जो है वो डील करता है मेडिसिन के साथ, जो इंडियन तरीका है इलाज करने का वो आयुर्वेदिक में माना जाता है, और आयुर्वेद है वो भारत की ही देन है, आयुर्वेद जो मेडिसिन है वो इंडिया से ही शुरू हुई और ये ऋग्वेद का हिस्सा है, ठीक है, जो सबसे पुराना वेद है उसी का हिस्सा है, ओके। अब बात आती है इपिक्स, इपिक्स कौन कौन से लिखे गए, इपिक्स होता है महाकाव्य, महाकाव्य, तो उस टाइम पे दो सबसे बड़े महाकाव्य लिखे गए भारत के इतिहास के, और दुनिया का भी सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत को, जिसके अंदर 100,000 श्लोक हैं, 100,000 श्लोक हैं इसके अंदर, संस्कृत के 100,000 श्लोक हैं। अब देखो वैसे जो है महाभारत को लिखा वेद व्यास ने, वेद व्यास ने लिखा, ठीक है, और रामायण जो दूसरा महाकाव्य है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 24,000 श्लोक हैं, इसको वाल्मीकि जी ने लिखा, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अब पता होगा जिन्होंने भी रामायण महाभारत के बारे में सुना है, रामायण रामचंद्र जी की कहानी है, उनकी है, और राम महाभारत में कौरवों और पांडवों की कहानी है। वैसे तो रामायण महाभारत से बहुत पहले हो गई थी, मतलब हो गई थी बहुत पहले, लेकिन मैंने आपको एक बात अर्ली वैदिक पीरियड में बताई थी कि इनका जो इतिहास था ऋग्वेद का, वो शुरू में ये लोग वर्बली एक दूसरे को बताते थे, वर्बली, ठीक है, मतलब ओरली एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता था नॉलेज, स्क्रिप्टेड लिखा हुआ नहीं था। वैसे ही रामायण पहले हो गई लेकिन उसको लिखित में नहीं था, तो ये रामायण जो है वो महाभारत से पहले हुई लेकिन लिखी गई बाद में, याद रखना है रामायण पहले हुई और महाभारत बाद में हुई, लेकिन लिखा किसको पहले गया, महाभारत को, ये बात याद रखनी है, यही बात मैंने इसमें समझा रखी है दोनों चीज़ें, कि रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा और इसको 4th शताब्दी BC में लिखा गया है, BC तक लिखा गया है इसको, ठीक है, रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा लेकिन बाद में लिखा महाभारत के होने, ठीक है। अब बात आती है आश्रम्स की, आश्रम क्या था, जो जीवन जीने का जो अलग अलग फेज में उसको तोड़ दिया गया, कि मान लिया गया कि एक आदमी की उम्र है 100 वर्ष, 100 साल का आदमी कितने कितने एक टाइम में कैसे कैसे लाइफ को जिएगा, तो उसको चार हिस्सों में तोड़ दिया,
चार हिस्सों में तोड़ दिया, चार तरह के आश्रम बनाए गए। पहला था ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम को आप स्टूडेंट लाइफ मान सकते हैं, यानी कि जब बच्चे के पैदाइश से लेके 25 साल की उम्र तक, ये 25 वर्ष तक बच्चा क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, ठीक है। फिर लड़का जब बड़ा हो गया तो वो पहुंचता है 25 से लेके 50 की जो एज है उसमें पहुंचता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, घर के जो है अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहता है, हाउस होल्डर बन जाता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा जो क्या है, 50 से लेके 75 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर वानप्रस्थ आश्रम आता है। इसको आप पार्शियली रिटायरमेंट मान सकते हैं, ठीक है, वन में चला जाता है, वहाँ अपनी ज़िंदगी को जीता है, ठीक है। फिर आता है चौथा, वो आता है संन्यास आश्रम, या फिर कंप्लीट रिटायरमेंट भी इसको बोल सकते हैं। एसेटिक लाइफ जीता है इसमें, यानी कि इसमें अपनी सारी सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठ के वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से एक मॉन्क की तरह बिताता है। ये एज होती है 50-75 से लेके 100 के बीच की आयु में। तो ये चार तरह के आश्रम इसमें बताए गए हैं, और ये कहाँ बताए गए हैं, ऐत्रेया ब्राह्मणा इस ग्रंथ के अंदर इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये चार आश्रम थे, ओके। तो ये था हमारे वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।